सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिंदगी में ये तय कर लो, कोई कितना ही तुम्हें दुख पहुंचाए, कोई कितना ही तुम्हारी बेइज्जती करे, चुप हो जाओ, सह जाओ। मरने वाले की क्या इज्जत क्या जिल्लत, मैंने तो मर के देखा है। मुझे ये हदीस समझ में आई है बड़ी अच्छी तरह, मूतू कबल अंत मूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। उस वक्त अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई गालियां देता तो मुझे क्या नुकसान था, और मुझे कोई नारे लगाता मेरे लिए तो मेरा क्या नफा था। तो मरने से पहले मर जाओ, कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम्हारा क्या नुकसान, तुम्हें कोई वाह वाह नारे लगाए तुम्हें क्या नफा है। अगर अल्लाह राजी है तो मुर्दाबाद और जिंदाबाद से बेनियाज हो। अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक आदमी ने गालियां दी तो उन्होंने फरमाया, बेटा एक घाटी आगे आ रही है, उसमें गिर गया तो जो कुछ कह रहे हो इससे भी ज्यादा का हकदार हूं, और अगर पार हो गया तो तेरी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मौतु क़ब्ल अन तमूतु, क्योंकि आजकल अखलाक हैं इंतकामी, माफ करने वाले अखलाक हैं नहीं, इंतकामी अखलाक हैं। हमारा मुआशरा इंतकामी है, अच्छा करोगे तो हम अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो हम बुरा करेंगे, जैसा कहोगे वैसा हमसे सुनोगे, ये हमारा माहौल है, ये हमारा। एक माँ कह रही थी दूसरी माँ को, मेरे पुत्र कभी किसी ने वास्ते सलाम नहीं किया, बड़े वो फख्र से कह रही है, हमारे अपने गांव की बदवा, मेरे पुत्र कभी नहीं किसी ने वास्ते सलाम किया, माई जड़ा करे उन्हें करें दे, जड़ा ना करे उन्हें पूछ दे ही कोई नहीं। ये वो फख्र से कह रही, जो सबसे बड़ा ऐब है वो सबसे बड़ा फख्र बना हुआ, मेरे पुत्र कभी नहीं किसी ने वास्ते सलाम किया। जब मां बाप ने यह सबक दिया तो औलाद का क्या कसूर है। हमारा मुआशरा इंतकामी है, एक की दस सुनाने का माहौल है, तो आप सौ की एक भी ना सुनाओ। अहनफ बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु पे एक आदमी ने चढ़ाई करके लगा, एक सुनाओगे ना तो दस सुनोगे मेरी तरफ से। तो अहनफ बिन कैस कहने लगे, भाई तू मुझे सौ भी सुनाएगा ना तो मेरी तरफ से एक भी तो नहीं सुनेगा। एक आदमी उनकी बड़ी बेइज्जती कर रहा था और वो चल रहे थे और वो सौत गालियां बकरा है। जब आ गया ना करीब शहर तो कहने के, देखा मेरा कबीला यहां रहता है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी बड़ी धुलाई कर देगा, तो तूने जो मुझे गालियां देनी मैं खड़ा हूं यहीं तू दे ले, तो अपना सारा जोर पूरा कर ले ताकि आगे तेरे तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे मेरी वजह से। तो वो पांव पे गिर के माफी मांगने लगा कि वाकई तू बड़े हिलम वाला। वो मशहूर थे अपने हिलम में, बुर्दबारी, और लोग उनका इम्तिहान लेने आया करते थे, इम्तिहान लेने आया करते थे कि भाई कोई है जो अहनफ को गुस्सा दिला दे, तो लोग नाकाम हो जाते थे, उनको गुस्सा नहीं आता। ऐसे एक अरब सरदार गुजरा, मान बिन जायदा, वो भी अपने हिलम में बड़े मशहूर थे। एक दफा लोगों में शर्त लग गई कि कोई है मान बिन जायदा को गुस्सा दिलाए तो हम उसको इनाम देंगे। तो एक शायर ने कहा, मैं गुस्सा दिलाता हूं, तुम देखना ऐसे सीखा हो जाएगा जैसे जानवर। तो वो चला गया उसकी मजलिस में, दरबार लगा, अरब सरदार था बहुत बड़ा, दरबार लगा वो, तो कहता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मान बिन जायदा पर एक दौर बड़े फखर का गुजरा था, फिर अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी सरदारी दी, बनू अब्बास का बहुत बड़ा ये वजीर गवर्नर था। तो कहता अतज़कुर इज़ लिहाफुका जिल्दु शातिन व इज़ अलाका मिन जिल्दिल बईर। क्यों भाई तुझे याद है जब तेरा बिस्तर बकरी की खाल था और तेरे जूते ऊंट की खाल के थे? तो कहने लगा क्यों नहीं याद, भला कोई माजी भी भूलता है। तो वो कहने लगा पहला वार तो खता गया, कहा सुबहानल्लज़ी आताका मुल्कन वअल्लमकल जुलूस अला सरीरी। तो फिर सारी तारीफें तो अल्लाह की हैं जिसने तेरे जैसे को तख्त पे बिठा दिया। कहां भी सारी तारीफें अल्लाह की हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं। तो कहने लगा सअरहलु अन दियारिन अंता फीहा व इन जारा अज़्ज़मानु अलल फकीरी, जहां तेरे जैसा हुक्मरान हो वहां मुझे रहना गवारा ही नहीं है, मैं यहां से छोड़ के निकल जाऊंगा चाहे कितनी तकलीफ उठाऊं। बड़े दरबार में ये एक गवर्नर और वजीर से बात हो रही है, तो वो कहता है अच्छा भाई अगर तू हमारे पास रहेगा तो हम तेरा इकराम करेंगे, और अगर तू जाना चाहता है
तो फिर राफकत का सलम, तो वो ये वार में खाली गया तो कहने का फजुदली अबना नाकसतन बिमालिन। ओ गंदी मां के बेटे, मुझे कुछ अता भी कर, मैं बगैर पैसे के सफर कैसे करूंगा। अरब को किसी को भी मां की गाली दे देना फिर अरब सरदार हो। फजुदली यबना नाकिसतन बिमालिन, बुरी मां के बेटे मुझे कुछ पैसे भी दे, मैंने जाना है। कभी इसको 3000 दे दिया जाए। अल्लाह, तो कहने लगा कलील उम्मा आतैतनी व इन्नी लअत्मो मिनका फिल कसीरी, ये तो बहुत थोड़ा तूने दिया है, मुझे और दे। अच्छा भाई 3000 और दे दो। तो वो शायर की भी आंखें फट गईं, कहने लगा ठहर जा ठहर जा, अब मैं तेरी असल तुझे बताता हूं। सअल्तुल्लाह अन युबकीका ज़ुख्रा फमालका फिल बरियत मिन नज़ीरी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तेरे जैसों को सलामत रखे, तेरे जैसा दुनिया में किसी मां ने जना ही कोई नहीं। फमिन कल जूद वल इफ़ज़ाल हक्का वफ़ज़ल यदैका कल बहरिल ग़ज़ीरी, तू ही सखी है तू ही करीम है और समंदर भी तेरी सखावत के आगे कुछ नहीं है। तुमने कहा अच्छा भाई तूने हमारी बुराई की, हमने तुम्हें 6000 दिए, अब तूने हमारी तारीफ की, अब 10000 और दे दो इसको। बातें ही रह गई, बातें ही रह गई, कहां से लाएं ऐसे लोग। हमारा मुआशरा इंतकामी है, बदला लेने का है, बदला लेने का। तो मेरे साथ क्या, मैंने भी करना है। तो आला दर्जे का इस्लाम ये सिखा रहा नहीं, चुप हो जाओ, सलामत बन जाओ, सलामती बन जाओ, सलामती की अलामत बन जाओ। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अब वो सवाल करता है या रसूल अल्लाह अय्युल ईमान अफ़ल, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, कलमा नमाज रोजा हज ज़कात, आला दर्जे का इस्लाम क्या है। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये अखलाक का अदना दर्जा है, अदना दर्जा है। अदना दर्जे पर पहुंचकर आप इस्लाम में आला दर्जे पर आ सकते हैं। वो सवाल करता है ईमान क्या है, तो आपने कहा अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, मौत के बाद की जिंदगी पर, तकदीर पर। अब एक और साइल सवाल करता है अय्युल ईमान अफ़ल, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है, तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे आला दर्जे का ईमान है। जो आदमी इस्लाम में, जो आदमी अखलाक में, जो मर्द औरत अखलाक में अदना दर्जे पर होता है वो इस्लाम में आला दर्जे पर पहुंचता है। अब अगर वो अखलाक में आला दर्जे पर आ जाए तो अब ये कहां पहुंचेगा, अब ये कहां पहुंचेगा। मेरा नबी कह रहा है सबसे आला दर्जे का ईमान है हुस्न अखलाक, हुस्न अखलाक। अबू हुरैरा ने पूछा या रसूल अल्लाह वमा हुस्नुल अखलाक, ये भी एक और हदीस है, या रसूल अल्लाह हुस्न अखलाक क्या चीज है, तो आपने तीन चीजें फरमाई, तसलु मन कतअक व तुअती मन हरमक व तअफु अम्मन वलमक, जो तुमसे तोड़े ना तुम उससे जोड़ो, नहीं करता सलाम ना करें कोई, हम छोटे बाप के हैं, हम तो कभी भी ना करें, हम तो कभी भी ना मुंह थूके भी नहीं हम तो। तो मेरा नबी कह रहा है जो तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो महरूम करे उसे अता करो, जो ज्यादती करे उससे दरगुजर करो। ये तीन काम जो औरत मर्द कर लेगा ये अखलाक के आला दर्जे में है। जब ये अखलाक के आला दर्जे पर पहुंचता है तो फिर मेरा नबी क्या बशारत देता है, अदना दर्जे पर पहुंचकर तो आला मुसलमान की बशारत है, और अखलाक में आला दर्जे पर पहुंचकर मेरा नबी कहता है कादल हलीम अन यकून नबिया, आला अखलाक वाला बस नबी बनते बनते रह जाता है। आला अखलाक वाला ऐसे है जैसे कि नबी, करीब है कि वो नबी बन जाए, ये तो है ना तर्जमा, लेकिन हम हमारे उर्दू में कहते हैं वो नबी बनते 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 रह गया। क्या मतलब कि उसमें और नबी में सिर्फ नबूवत का फर्क रह जाता, बाकी वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तो ये सारे दीन का मैंने आपको खुलासा बताया है, मेरी आपकी जरूरत है कि मेरा इस्लाम
आला दर्जे का हो, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मेरा ईमान आला दर्जे का हो,